हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का साइंस का वीकली टेस्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 9 सितंबर को क्लास टेंथ का साइंस का टेस्ट है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्तल लेंस लगा रहता है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, आँख की रेटिना भाग को क्या कहते हैं? आँख की रेटिना भाग को क्या कहते हैं? रेटिना, आयरिस, पुतली, कॉर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आयरिस। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, पहला ऑप्शन है जरा दूरदृष्टिता, दूसरा ऑप्शन है समंजन, तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि, चौथा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समंजन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दृष्टिपटल। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको दृष्टिपटल कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं, परितारिका या पुतली? ये तो अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दृष्टि पटल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है? लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 25 सेंटीमीटर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है? पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि पटल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पक्षमाभी पेशियों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है? पहला ऑप्शन है पुतली, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिपटल, तीसरा ऑप्शन है पक्षमाभि पेशियाँ, चौथा ऑप्शन है परितारिका। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से घुमाया गया है, आंसर भी बिल्कुल भी सेम होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है, बाकी सेम चीज़ को घुमा कर लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है, यानी कि हम लोग कितना दूर तक वस्तु को देख सकते हैं? तो देखिए 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या 20 सेंटीमीटर या अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनंत। देखिए यहाँ पर सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु पूछा है, इसलिए अनंत होगा। सामान्य दृष्टि के लिए अगर निकटतम बिंदु पूछता तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होता, जो क्वेश्चन पहले कहीं पर आ चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, चलिए यहाँ पर सेम उसी को घुमाकर दे दिया गया है, पिछला क्वेश्चन था इस तरीके से एक, ये क्वेश्चन इसी को सेम थोड़ा सा अलग शब्दों के साथ यहाँ पर पेश किया गया है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर। केमिस्ट्री देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक सूचक है एक सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है मिथिल ऑरेंज, दूसरा ऑप्शन है फिनोप्थेलिन, तीसरा ऑप्शन है लिटमस, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लिटमस, प्राकृतिक सूचक है। फिर देखिए संश्लेषित सूचक कौन है, पहला ऑप्शन है मिथिल ऑरेंज, दूसरा फिनोप्थिलीन, तीसरा ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संश्लेषित सूचक मिथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन दोनों ही, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्षार, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अम्ल, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोनों रिवर्सिबल है, ठीक है, उल्टा है एक दूसरे का, तो दोनों को आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, कौन देखिए इसमें से स्ट्रोंग एसिड का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा H2SO4, NHO3 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल का नाम बताना है, तो प्रबल अम्ल है ऑप्शन नंबर पहला HCl, ठीक है HCl। वैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी काफ़ी स्ट्रोंग है, बट यहाँ पर आपको HCl ज़्यादा स्ट्रोंग मिलेगा, इसलिए HCl को सही करना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, विक एसिड का नाम बताना है, CH3COH, HCl, H2SO4 या HNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला CH3COH दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है। निम्न में कौन प्रबल क्षारक है, अब क्षारक बताना है, NaOH या MgOH2 या HCl या CaOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रबल क्षारक का नाम बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको आपको याद करना है। अब इसी का उल्टा दुर्बल क्षारक का नाम बताना है NaOH, MgOH2 या KOH इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा MgOH, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं, अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर क्या उत्पन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है H+ आयन, दूसरा ऑप्शन है OH- आयन, तीसरा ऑप्शन है H+ तथा OH- आयन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला H+ आयन, H+ आयन उत्पन्न होता है जब हम लोग जल के साथ अम्ल को मिक्स करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, सेम इसी क्वेश्चन को उल्टा घुमाकर यहां पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला H+ आयन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्षार के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, क्षार के जलीय विलयन में यानी कि क्षार में हम लोग जल घोलेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, H+ आयन या OH- आयन या H3O+ आयन या H3O- आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा OH- आयन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, अम्ल, क्षार, लवण इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन आना ही आना है आप लोगों का कि कोई भी फल या सब्जी का नाम देगा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, वहीं दही का बात करें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है,
और सिरका का बात करें वेनिगर का, तो वहाँ पर एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सभी को आपको याद करना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिट्रिक अम्ल संतरा में, इमली में टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही में, और फिर एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला टमाटर पूछा गया है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा लैक्टिक अम्ल, चौथा ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसको आप रट लीजिएगा, इसको रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। फिर देखिए नेक्स्ट, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए खट्टा फल जैसे संतरा, हल्का खट्टापन रहता है उसमें, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में भी सिट्रिक और खट्टे फल में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, देखिए एसिटिक थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो क्या होगा, सिरका, सिरका इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ये भी मैंने बताया, टार्टरिक कहाँ पाया जाता है, इमली में, इमली में टार्टरिक पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इमली में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऊपर थोड़ी देर ऊपर यहाँ पर देखिए, ऊपर कहाँ गया, साइट्रिक अम्ल, ये देखिए सिट्रिक अम्ल ही है संतरा, ठीक है, तो यहाँ पर संतरा इसका सही आंसर हो जाएगा, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक साइट्रिक एक ही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसका आप लोगों को याद कर लेना है, साइट्रिक रहे या सिट्रिक रहे दोनों एक ही अम्ल है जो संतरा में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बायोलॉजी से क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, मस्तिष्क है, आमाशय है, क्षुद्रांत है, हृदय है, पूरा बॉडी, पूरा शरीर किससे कंट्रोल किया जाता है, मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में, मेडुला में, क्षुद्रांत में या हृदय में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेडुला में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रेनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, आमाशय में, न्यूरॉन में, इनमें कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूरॉन में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या इनमें कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रासायनानुवर्तन, रासायनानुवर्तन सही आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन या नसें, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। अगला देखिए, एक नर हार्मोन है, इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नर हार्मोन और मादा हार्मोन, देखिए नर हार्मोन कौन सा है, एड्रिनेलिन या TSH या एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नर हार्मोन पूछा गया इसलिए टेस्टोस्टेरोन इसका सही आंसर होगा। फिर अगला देखिए, मादा हार्मोन, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मादा हार्मोन है एड्रिनेलिन या TSH या एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, देखिए ऑप्शन बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन अलग है, मादा हार्मोन कौन है बताना है अभी, तो मादा हार्मोन आपका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन,
अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक लड़का है, उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। अगर लड़का बड़ा हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर लड़का बड़ा हो गया उसमें से टेस्टोस्टेरोन निकाल कर हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन डाल देंगे तो ये लड़का जो है पूरा लड़की बन जाएगा। ठीक है, सेम केस लड़की के साथ भी, लड़की है एक, इसमें एस्ट्रोजन है नेचुरली, इसको निकाल कर टेस्टोस्टेरोन डाल देंगे तो ये लड़का बन जाएगा। इस तरीके से ऑपरेशन आजकल हो रहा है। आगे देखिए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रवी एवं बहिःस्रवी दोनों हैं? गुर्दा, यकृत, एड्रेनल, अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अग्नाशय। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला, इंसुलिन की कमी के कारण होता है, घेगा होता है, मधुमेह होता है, क्रेटेनिज्म होता है, या बौनापन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मधुमेह होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डीएनए में। आप अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो कहाँ से आया है, आपके माता पिता से आया है, तो इसीलिए डीएनए अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संग्रह होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, या बीजाणु जनन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुकुलन। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक, लेकिन मुकुलन जनन होता है, अलैंगिक का ही एक टाइप है। फिर देखिए नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा यीस्ट में, तीसरा प्लाज्मोडियम में, चौथा लेस्मानिया में। तो देखिए मुकुलन अलैंगिक जनन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहीं पर भी हाइड्रा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बताना है कि मुकुलन और किसमें होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यीस्ट में भी मुकुलन अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? चलिए हाइड्रा, सेम क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो मुकुलन, सेम क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, एकल जीव माइकोप्लाज्मा में किस विधि द्वारा जनन होता है? माइकोप्लाज्मा किस विधि द्वारा जनन करता है? मुकुलन, बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंघ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुखंडन, प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा जनन करता है। अगला देखिए, अमीबा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, या द्विखंडन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, द्विखंडन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पर साइंस का क्लास टेंथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आपका टेस्ट है 9 सितंबर को, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।